उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के शांति पैलेस होटल के पीछे बने क्षिप्रा ओवरब्रिज के नीचे गाय के कटे हुए सिर मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। बता दें कि उज्जैन में पूर्व में भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हिंदुवादी संगठन के नेता पिंटू कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि फोन पर राहगीरों ने सूचना दी कि क्षिप्रा नदी में गाय के कटे हुए सिर मिले हैं, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी। नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की। धर्मनगरी उज्जैन की पवित्र क्षिप्रा में गाय माता के कटे हुए सिर मिलने के बाद हिंदुवादी संगठन और समाजजनों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में भी इस तरह की घटना देखने को मिली है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अभी तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है और गाय के सर को काट कर क्षिप्रा नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद राहगीरों ने घटना की सूचना बजरंग दल के नेताओं को फोन पर दी, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। महाकाल की जो धरती है ना, ये पवित्र धरती है और लगातार यहाँ पर जो कुछ असामाजिक तत्व किसी न किसी प्रकार की घटना करते ही रहते हैं। 2020 में 2021 में भी आप नीचे देखेंगे तो गाय माता का जो सिर कटा हुआ रखा हुआ है हमने यहाँ पर, 2020 और 21 में भी अनगिनत गाय माता का सिर काट कर यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों में, और ये तत्व जो महाकाल क्षेत्र में महाकाल थाने में आते हैं, तोपखाना क्षेत्र में रहते हैं, वो ये घटना को अंजाम देते हैं काट कर और शहर में या फिर माँ छिप्रा में फेंक देते हैं। आज भी आप देख सकते हैं रात की गर्दने मतलब कटी हुई है, ताजा गर्दने है। अभी पूर्णिमा निकली है कल और परसों, पूर्णिमा के इस पवित्र त्योहार पर पर्व पर और छिप्रा माँ के अंदर हिंदू समाज आक्रोशित है। इसके लिए अगर प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदू समाज उग्र होकर और उज्जैन में आक्रोशित होकर इसका अंजाम बुरा होगा। शांति पैलेस ब्रिज के नीचे गौवंश के कुछ अवशेष यहाँ ब्रिज में नीचे पाए गए हैं। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसकी मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयला फाटक क्षेत्र में रहने वाले युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के बड़े भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि बबलू शर्मा उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी कोयला फाटक रहने वाला है, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। प्रॉब्लम तो पता नहीं है मेरे भाई का, मुझे कुछ वो यहाँ रहता था, यहीं काम धंधा करता अभी बच्चों के साथ, फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ आइडिया नहीं अपने को, पता नहीं। ये कोयला फाटक उज्जैन के मुरीनगर क्षेत्र में रहने वाले नापतोल विभाग के कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश रामटेके उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी मुरीनगर का रहने वाला है, जो नापतोल विभाग में सहायक ग्रेड में कर्मचारी था। सोमवार को देवास रोड दुर्घटना में कर्मचारी की मौत हुई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। भैया कैलाश जी रामटेके मध्य प्रदेश तृतीय व शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष थे, बौद्ध महासभा के कोषाध्यक्ष थे, और ये अपने फ्रीगंज से सब्जी लेकर के अपने निवास स्थान पर मुनिनगर जा रहे थे। अपना स्वीट्स के सामने एक पैदल व्यक्ति को बचाने में इन्होंने अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया और गाड़ी इनकी फिसल गई, और वहाँ पर इनके ये जब नीचे गिरे थे इनके सर में गंभीर चोट आई, बहुत सारा ब्लडिंग हो गया। वहाँ से इन्हें माधवनगर हॉस्पिटल ले गए। माधवनगर हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं था, इनके परिजन को खबर किसी ने की तो माधवनगर हॉस्पिटल इनके परिजन आ गए। परिजन इनको सीधा तेजनगर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने बाहर ही देख करके इनको मृत घोषित कर दिया। नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शांति नगर में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई, जिसमें बिस्तर, कूलर, फ्रिज, टीवी आदि सामान जलकर खाक हो गया। खास बात तो यह है कि लगभग 75,000 रुपए नगद राशि भी आग की चपेट में आ गई, जिससे 500-500 के नोट जलकर खाक हो गए। लाखों रुपए का नुकसान मकान मालिक को हुआ है। अरे दादा हम इतना ये घटना अपनी हुई है 4 तारीख के रात को 8:30 बजे के बीच की। शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरे घर में आग लगने की वजह से सारा सामान जल गया। क्या क्या जला इसमें? इसमें
सारी चीज़ें चल गई है, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, इसके अलावा जो नकद पैसे रखे थे 75,000 रुपये वो भी जल चुके हैं, सारी चीज़ें सभी समाप्त हो गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में पशुपतिनाथ मंदिर में ब्राह्मणों ने बैठक की। पहली बार आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के खिलाफ ब्राह्मण समाज एकजुट दिखाई दिया। सोमवार को चामुंडा माता मंदिर चौराहा के पास स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में ब्राह्मण समाज के प्रमुख एकत्रित हुए। यहां सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि डॉक्टर मोहन भागवत ब्राह्मणों से माफी मांगे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बयान में कहा था कि अलग अलग जाति ब्राह्मण ने बनाई जो गलत है। देश में आजकल ब्राह्मणों को टारगेट करके और राजनीतिक रूप से उनको नीचे दिखाने का प्रयास देश भर के राजनीतिक दल और अन्य संस्थाएं, सामाजिक दल भी कर रहे हैं। पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड के नेता ने भी इसी संबंध में पंडितों को टारगेट करके कुछ चर्चा करी। फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यह बात की और अब मोहन भागवत जी का यह बयान यहाँ पर आया है। हम सबका यह ब्राह्मण समाज का ये मानना है कि इस तरह से ब्राह्मणों के बिना और ब्राह्मणों को साथ में रख करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कभी की नहीं जा सकती। ब्राह्मणों ने मार्गदर्शन किया सदैव। पूरा ब्राह्मण समाज संघ प्रमुख भागवत जी के बयान से आक्रोशित है और आहत है, और आक्रोश इस प्रकार का है क्योंकि वास्तविकता में ब्राह्मण समाज जिसने की धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए आज समाज को यहाँ लाकर के खड़ा किया है, और उसके खिलाफ इस प्रकार का जो बयान दिया गया है। एक और जहाँ संघ ये कहता है कि मैं हिंदू हित की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और दूसरी ओर हिंदुओं में ही ब्राह्मण वर्ण को ही पूरा अलग करने की बात करते हुए, ब्राह्मण वर्ण पर ही दोषारोपण की बात करते हुए, यह तो हिंदू समाज को खंड खंड करने की एक साजिश है। और ब्राह्मण समाज का आक्रोश बड़े पैमाने पर है और उसको लेकर के विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोग आज यहाँ बैठे थे। यदि अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी और वक्तव्य वापिस नहीं लिया तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन की ओर जाएगा। भागवत जी के ब्राह्मण विरोधी बयान पर ब्राह्मण समाज बहुत ही आहत है। हम भागवत से पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मण का विरोध करके क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? बिना ब्राह्मण के क्या ये जो सोच रहे हैं वो हो सकता है, संभव है क्या? किसी भी जातिगत व्यक्ति को देकर सुर्खियों में बने रहना इनकी आदत है। इन्होंने कई जातियों के प्रति इस प्रकार के शब्द बोले हैं और सुर्खियों में बने रहने की व्यवस्था की है।